जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में काफी संख्या में यात्री फंसे हैं, वहीं जम्मू बस स्टैंड में भी यात्री रुके हुए हैं। रियासत में कैसे हैं हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कोहली ने। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन के पास काफ़ी लैंडस्लाइड होने के कारण बंद हो गया है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस टाइम ये बस स्टैंड में सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और इनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को यहाँ रुकने की वजह से काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जी, आपका नाम? बाबर सर। बाबर, कितनी मुसीबत आ रही है आपको यहाँ पर रुकने के कारण? सर, बहुत मुसीबत आ रही है सर, कहने की बात नहीं है सर, कहने की बात नहीं है सर, बहुत मुसीबत आ रही है सर। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं सर, दो दिन से इधर बैठे हुए हैं सर सराय में सर, कुछ खाने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं सर। और जो सर एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो सर रामबन डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां है वो जा रही है बहुत रेट पे जा रही है सर, और जो बाकी डिस्ट्रिक्टों की गाड़ियाँ हैं सर, समझो जो टनल के जो श्रीनगर की गाड़ियाँ है, कश्मीर की गाड़ियाँ है सर, उनको सर जाने नहीं दे रहे। आप बताइए कितनी मुसीबत आ रही है आपको? बहुत मुसीबत है यहाँ। देखो, हम राजस्थान से आया, लकड़ी फाड़ता है उधर, चार पैसा कमा कर लाता है तो पहले चलो दुकानदार लौटाता हमको, तो वो उनकी बात है, हम तो खुद मजबूर है उसके जाने के लिए। तो होटल पर जाता है वो तो बोलता है 15 रुपये 20 रुपये है चाय का एक कप, जब चाय पीता होटल पर तो वो नमक ज़्यादा डालता, हम वो भी छोड़ता उधर, तो वो चीनी वाला चीनी नहीं डालता है, 10-15 रुपये 20 रुपये चाय का कप मिलता है। यहाँ रुकने के कारण कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है भैया? एक्चुअली क्या है कि हम 5 दिनों से यहाँ पे, जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो आगे वो वापस भेज देते हैं, बोलते हैं कि हर एक सवारी 500-500 दे दे तब आगे जाने देते हैं। जितने भी पैसे थे सब खर्च हो गए सर, अब रहने के लिए ना खाने के लिए पैसे ना कुछ है, अब मुसीबत में पड़े हैं भाई। साफ जाहिर है कि इन लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है। अब देखना यह है कि कब तक ये लैंडस्लाइड चलता हो और बारिश बंद होती है जिसके कारण जो नेशनल हाईवे खुलता है और यहाँ से लोग जो फंसे हुए हैं उनको श्रीनगर भेजा जाता है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज, जम्मू। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।